हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बनाना चिप्स। तो उसके लिए हमें चाहिए एक बनाना। मैं एक कच्चा बनाना ले ली हूँ। अब मैं इसे छील कर कटिंग कर दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं छील कर कटिंग कर ली हूँ इसे। इसे बहुत ही पतला पतला कटिंग करना है। ये मैं पानी जो येलो येलो दिख रहा है, इसमें मैं हल्दी और नमक डाल दी हूँ। इस पानी में हल्दी नमक नमक का मिक्सर बना ली हूँ और इसे में हमें डीप कर 10 मिनट तक छोड़ना है केले को। 10 मिनट के बाद मैं इसे पानी से निकाल लूँगी। 10 मिनट में पूरा कलर चेंज हो जाएगा, येलो कलर हो जाएगा और नमक जो है वो भी इसके अंदर आ जाएगा। चलिए हम 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देते हैं इसे। 10 मिनट हो गया, अब मैं इसे निकाल लूँगी पानी से। मैं निकाल ली पानी से इसे। अब इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी डालूंगी और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब मैं इसे फ्राई करके दिखाती हूँ। ये तेल में मैं डालूंगी, ये गरम तेल है। हमें खूब अच्छा खासा गरम तेल चाहिए। अब एक एक करके मैं इसे डाल दूंगी। हमें खूब गरम तेल चाहिए तब जाकर ये करारा होगा। मैं फुल फ्लेम पे ही बना रही हूँ इसे। जब ये डाल दूँगी सारा इसके अंदर, इसके बाद मैं लो फ्लेम कर दूँगी। अभी हमें गरम तेल ही चाहिए। अब मैं फ्लेम को लो कर दूँगी। मैं हाई कर रखी थी, अब मैं लो कर दूँगी। लो फ्लेम पे ही हमें बनाना है। डालते टाइम हमें गरम रखना है बहुत ज़्यादा तेल को, और डालने के बाद हमें लो कर देना है। 10 से 15 मिनट के लिए हमें ऐसे ही रखने देना है। 10 से 15 मिनट के बाद हम इसे पलटेंगे। अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ करारा हुआ है कि नहीं। अब मैं इसे पलट लूंगी। दो तीन मिनट तक इसे और पकने देते हैं उलट पलट करने के बाद। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। एक क्रिस्पी हो गया है। अब ये देखिए, बहुत ही क्रिस्पी बना है। देखिए आवाज़ आ रही है इसमें से। ये ठंडा होगा तो और ही कुरकुरा हो जाएगा। और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगर मेरे रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। बेल आइकन भी दबाना ना भूलना। फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।